तो नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है कृष्णा इंटरप्राइजेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कृष्णा मैन्युफैक्चरिंग ऑफिशियल में। कृष्णा इंटरप्राइजेज में जो है अभी ये सीट कटिंग मशीन जो है मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। इस मशीन के बारे में मैं आपको फुल डिटेल से बताने वाला हूँ। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की नॉलेजबल वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजबल वीडियो। कटिंग मशीन का उपयोग जो है अधिकतर जो है रिंकल थाली का रॉ मटेरियल जो इस प्रकार का सर्कल गोल कटा हुआ सर्कल जो आता है उसके बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस मशीन पे आने से पहले पेपर को सबसे पहले क्राफ्ट पेपर फिल्म और गम को पेपर लेमिनेशन मशीन से जो है लेमिनेशन किया जाता है। लेमिनेशन तैयार करके उसे सीट बनाया जाता है और सीट बनाने के बाद तीन रोल बनने के बाद एक बार में तीन रोल इस मशीन पे चढ़ा के सीट को काटा जाता है। ये मशीन अभी अर्ध निर्माण है, निर्माण हो ही रही है, इसीलिए मैं आपको इसके पूरा ग्राइंड रिपोर्टिंग इसका करूँगा, पूरा डिटेल से इसके पार्ट्स को दिखा के मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें जो है यहाँ से तीन रोल का सिस्टम, ये मशीन काफ़ी लंबी रहती है, तीन रोल लगती है और तीन रोल लगने के बाद इस ब्लेड से जो है ये मशीन जो है कटिंग करती है। और इस पे कटिंग होने के बाद जो है सीट कटिंग सर्कल कटर मशीन पे उसको लगा के गोल काटा जाता है। जैसे 12x4 का रिंकल डाई के लिए 12x4 का सर्कल, 12 इंच के लिए 12 का, 13 इंच के लिए 13x4 का सर्कल, मतलब जिस भी साइज का जिस भी एरिया का रिंकल थाली की आपको आवश्यकता होती है इस मशीन से बनाया जाता है। बहुत सारे लोग जो है अफवाह फैलाते हैं कि रोल से रिंकल थाली बनाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये झूठी बात है। रिंकल थाली जब बनती है तो वो मैनुअल के स्थिति में बनती है और वो इस प्रकार के सर्कल से बनती है। इस मशीन के बारे में मैं बताऊं तो ये मशीन आप अगर पेपर प्लेट रॉ मटेरियल का बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप सर्कल अलग से खरीद रहे हैं तो इस मशीन को लगा करके आप इससे सीट कटिंग कर सकते हैं। और इस सीट को आप सीट सर्कल कटर मशीन लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मशीन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हाइड्रोलिक मशीन जो आती है उस प्रकार के हाइड्रोलिक मशीन से भी आप जो है सीट को कटिंग कर सकते हैं, यानी गोल कटिंग कर सकते हैं और गोल कटिंग करके आप सर्कल का मटेरियल तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये मशीन जो है ये मशीन आप सिंगल फेज बिजली से ही चला सकते हैं। इसमें आपको 2 HP मोटर और 2 HP पैनल मिलेगा। अगर आप 3 HP में अगर ऑर्डर देते हैं तो कृष्णा इंटरप्राइजेज की टीम आपको 3 HP में जो है तैयार करके दे सकती है। इस मशीन को मैं दिखाऊं कि इसमें बेलन जो दिया हुआ है ये 32 इंच जो है बेलन दिया हुआ है साइज का, और ये जो है SS स्टील का जो है इसमें बेलन दिया हुआ है। इसमें ब्लेड की बात की जाए तो ओरिजिनल जो है ब्लेड 32 इंच की ब्लेड दी जाती है। इसमें आप अगर साइज 30 इंच का ऑर्डर दीजिएगा, 26 इंच का ऑर्डर दीजिएगा तो उसी हिसाब से जो है इस मशीन को बनाया जाता है। सीट मशीन जो है अभी बिहार में कहीं कृष्णा इंटरप्राइजेज एकमात्र जो है कंपनी यही अभी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो आप जो है अपने ऑर्डर के हिसाब से यहाँ मशीन बनवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको बड़े लेवल पे काम करें तो आपको एक लेमिनेशन मशीन की आवश्यकता होगा, एक ये सीट कटर जो मशीन है इसकी आवश्यकता होगा और एक सर्कल कटर मशीन जो इस प्रकार का आता है इसका आवश्यकता होगा। तीनों मशीन को लेकर के आप सर्कल का रॉ मटेरियल हर कलर में आप तैयार कर सकते हैं। बफर प्लेट और रिंकल प्लेट के लिए ऑल इन वन मशीन जो है कृष्णा इंटरप्राइजेज की टीम मात्र 65,000 में तैयार की है। आप इस मशीन को परचेज, इसमें अभी जो है स्ट्रक्चर ही है, इसमें मोटर उटर नहीं लगा है, इस प्रकार से इसमें रोल का सिस्टम जो है मिल जाता है। इस प्रकार से जैसे एक रोल यहाँ और एक रोल नीचे, तीन रोल का इसमें सिस्टम बनाया गया है। इसमें आप ऑटोमेटिक सारा आइटम बना सकते हैं, 4 इंच से लेके 16 इंच तक जो भी आइटम आता है वो रोल लगा के आप बना सकते हैं। बफर सीट लगा के आप बफर कटिंग कर सकते हैं और रिंकल का जो सर्कल आता है वो सर्कल लगा के आप सर्कल कटिंग कर सकते हैं।
और दोस्तों अगर सिर्फ कोर आइटम का आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है यहाँ सिंगल ब्लॉक बैरिंग में, डबल ब्लॉक बैरिंग में क्रेंक मशीन बनाया जाता है, सिंगल डाई में भी, और इधर जो आप देख पा रहे हैं ये डबल डाई में है, और ये डबल डाई चैनल बॉडी में है जिसमें 4 इंच से लेके 16 इंच तक दोना, थाली, नाश्ता प्लेट हर आइटम आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।